चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की नगर निगम मेयर का चुनाव टाल दिया गया है। चुनाव टलने की वजह चुनाव अधिकारी अनिल मसीह का बीमार होना बताया गया है। इस बारे में चंडीगढ़ के सभी पार्षदों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा गया था। हालांकि चुनाव टलने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इधर चुनाव टलने के बाद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया और बीजेपी पर भारत को उत्तर कोरिया बनाने जैसे शब्दों से इस्तेमाल कर दिया। सुनवाते हैं आपको आखिर राघव चड्ढा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, आप सोच सकते हैं। देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर यहाँ पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के, ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। देखिए ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसीलिए इस देश की 135 करोड़ जनता को साथ आना होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा और मजबूती से भाजपा का सामना करना होगा। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि निष्पक्ष चुनाव हो और नए प्रिसाइडिंग अफसर आज ही नियुक्त किए जाएं ताकि आज ही निर्धारित जो डेट है उस पर चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।